लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच मास्क और सैनिटाइजर के दामों में इजाफा हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु की श्रेणी से बाहर कर दिया है और अब ये दोनों वस्तुएं आवश्यक वस्तु की श्रेणी में नहीं रहेगी, जिसके बाद मास्क और सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी इसकी कीमत बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हो गई है। गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए केंद्र सरकार ने मास्क और सैनिटाइजर की कीमत तय कर दी थी। सरकार ने इसके साथ ही मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में रख दिया था। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट कर कहा था कि मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी करने वालों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा मास्क और सैनिटाइजर की कीमत मार्च में तय की गई थी, जिसके बाद पूरे देश में मास्क और सैनिटाइजर तय कीमत में बेचने का आदेश है। तय रेट के मुताबिक 100 ml सैनिटाइजर की कीमत वर्तमान में ₹50 जबकि 3 लेयर मास्क की कीमत ₹15 रखा गया है।